नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम क्रिकेट की बात में। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले एक दिवसीय मैच की शुरुआत हो गई है। ये इस साल का भारत के लिए पहला एक दिवसीय मैच भी है और काफी शानदार तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम ने बल्लेबाजी भी की है। आपको बता दें कि आज फाफ डुप्लेसी यानी कि साउथ अफ्रीका के कप्तान 120 रनों की शानदार पारी खेली उन्होंने और उसके बाद आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या के हाथों अपना कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को अब 268 रनों के लक्ष्य की जरूरत है। जिस तरह से साउथ अफ्रीका की पारी चली है, ऐसा लग रहा था एक समय में कि कहीं 150 से 200 के बीच में ना सिमट जाए, लेकिन कप्तान फाफ डुप्लेसी ने काफी शानदार पारी खेली। इस मैच के बारे में ताजा जानकारी और विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटोरियल हेड एडविन अमन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्या लगता है, पहला एक दिवसीय मैच है भारत के लिए, साउथ अफ्रीका का टूर अभी तक अच्छा नहीं रहा था, लेकिन जिस तरह से तीसरा टेस्ट हराया है अब उम्मीदें बढ़ गई हैं। हाँ बिल्कुल अभिलाष, बहुत धन्यवाद आपका पहली बार जी प्रोग्राम में बुलाने के लिए। कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीकन पिचेस पे इंडियंस प्लेयर बहुत तूफान मचा देंगे, टेस्ट मैच से पहले बात हो रही थी, लेकिन जिस तरह दो मैच हारे लगातार, उसके बाद लगा कि नहीं, वो टीम शायद ये नहीं है जो वहाँ पर धमाल मचा सके। लेकिन उसके बावजूद तीसरे टेस्ट मैच में जबरदस्त वापसी करते हुए उम्मीद जगाई कि इंडियन जो प्लेयर्स हैं, नए प्लेयर्स हैं, वो दमखम रखते हैं मैच जीतने का। जैसे शमी ने विकेट किए और वहाँ पर एक बेहतरीन जीत दर्ज की, उसी तरह से वनडे शुरू हुआ है और वनडे का पहला मैच आ जाए, आपने सही कहा कि साल का पहला मैच आ जाए, लेकिन देखिए अंतर फिर साफ नजर आ रहा है। हम अगर बात करें तो इस मैच पे मैदान पर इंडियन टीम ने अपने 7 मैच खेले हैं और 6 गंवाए हैं, एक हालांकि बेनतीजा रहा है, ड्रॉ रहा है। सर टीम सिलेक्शन की बात करते हैं कि अब विराट कोहली पर सवाल उठे टेस्ट सीरीज में भी कि आपने अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाज को बाहर रखा है और उसके बाद आपने रोहित शर्मा को, जो वनडे में तो आपके लिए सफल साबित हुए हैं लेकिन टेस्ट में कहीं ना कहीं असफल साबित थे, तो अब वो चीज आज वनडे में भी देखने को मिली। आपके पास इतने अच्छा प्लेयर, श्रेयस अय्यर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, न्यूजीलैंड में इंडिया ए की तरफ से परफॉर्म करके आए थे, श्रीलंका सीरीज में परफॉर्म किया है, लेकिन उसके बाद फिर वही चीज, फिर वही कहानी, आप केदार जाधव को अंदर लेकर आ रहे हैं और अच्छे इनफॉर्म बैट्समैन को आप बाहर कर रहे हैं। देखिए हम दरअसल तय ही नहीं कर पा रहे, अगर हम अगले साल वर्ल्ड कप की बात करें तो लगातार कोहली इस तरह की बात कर रहे हैं जो कप्तान है भारतीय टीम के, कि भाई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं ताकि हमें पता लगे कि 3, 4, 5 जो जगह है यहाँ पर कौन सेट हो सकता है, क्योंकि देखेंगे लगातार आपकी 4, 5 के जो स्थान है वो कोई भी बैट्समैन वहाँ पर सेट नहीं हो पा रहा, चाहे मनीष पांडे की बात करें आप, केदार जाधव की बात करें आप, और खुद आपने श्रेयस का नाम लिया उनकी बात करें, तो ये एक उहापोह की स्थिति है। रहाणे की बात कर सकते हैं हम लोग, रहाणे अपनी भूमिका समझ में नहीं आ रही कि मुझे दरअसल कहाँ पे खेलना है, क्या करना है, कभी ओपन कराते हैं आप उनसे, कभी वन डाउन कराते हैं, बिल्कुल। तो ये अपने आप में बड़ी उहापोह की स्थिति है, इसमें टीम को निकलना होगा, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल हो सकता है आगे चलकर। चलिए इस बीच खबर ये आ रही है कि साउथ अफ्रीका की पारी 269 पर 8 विकेट के नुकसान पर समाप्त हो चुकी है, यानी कि भारत को 270 रनों की जरूरत होगी। सर क्या लगता है, डरबन की विकेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा सबकॉन्टिनेंट वाली विकेट जैसी होती है, तो डरबन में क्या ये स्कोर चेज हो सकता है? देखिए अगर थोड़ा सा अगर हम ओपनिंग की बात करें, अगर शिखर और रोहित अगर अच्छा पार्टनरशिप शुरू में करते हैं तो मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा लक्ष्य भी नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम ऐसा करती रही, बैट्समैन हैं उनके पास क्षमताएँ हैं, आप शुरुआत से देखेंगे तो एक से एक बैट्समैन हमारे पास मौजूद है और खुद धोनी के पास एक बड़ा अवसर है कि 102 रन अगर वो करते हैं तो 10 हर क्लब में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि धोनी बड़ा नाम रहा है क्रिकेट के लिए, लेकिन क्या वो ऊपर आएंगे, क्या वो वन डाउन खेलेंगे, क्या वो फोर डाउन खेलेंगे, तो ये कई सवाल हैं मेरे ख्याल से, लेकिन एक अच्छा मौका है मेरे ख्याल में धोनी के लिए, अगर कोहली की रजामंदी होती तो वन डाउन आए और अपनी बेहतरीन जो क्रिकेट उन्होंने खेली यहाँ पर उसको एक अच्छे अंजाम पे लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। सर टीम सिलेक्शन की आपने बात की, टीम सिलेक्शन पर आते हैं तो जिस तरह से अगर भारत आगे के लिए देख रहा है, 2019 विश्व कप ज्यादा समय नहीं है, महज एक साल का समय बचा है, जी जी, गेंदबाजी से आप खुश हैं, आज कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, उसके बाद युजवेंद्र चहल 2 विकेट, और उसके बाद जो डेथ बॉलिंग जो हमेशा से भारत की कमजोरी रही है, कहीं ना कहीं अब वो कमजोरी जो है अब ताकत बनती जा रही है, बुमराह और भुवनेश्वर की जोड़ी ने कमाल करके दिखाया, उसके बाद हार्दिक पांड्या। बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बुमराह और खासकर जो हमारे गेंदबाज भुवनेश्वर हैं वो बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं 100 ओवर्स में, खासकर मैं भुवनेश्वर की बात करना चाहूँगा, बहुत अच्छी उनकी लाइनों लेंथ है, बड़ा सटीक तरीके से बॉलिंग करते हैं और उनकी गेंदबाजी में वेरिएशन है,
तो क्या आप 2019 विश्व कप के लिए देख रहे हैं कि क्या ये पांच गेंदबाज हो सकते हैं जो कोहली सोचे कि हाँ नहीं भाई, मैं प्लेइंग 11 में मैं इनके दम पर मैच जीत सकता हूँ? देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद हैं, क्योंकि अगर हम तीन पेसर के साथ में भी खेल रहे हैं, अगर हमारे बड़े गेंदबाज इस समय मौजूद है, चाहे हम भुवनेश्वर की बात करें, हम बुमराह की बात करें, हम चाहे उमेश यादव की बात करें, कई सारे गेंदबाज हैं जो कड़ी दर कड़ी हमें मिल रहे हैं। शमी बाहर बैठे हुए, टेस्ट मैच में खिला रहे हैं, अभी हम उनको तो मौका दे सकते हैं। देखिए, अभी हमारे पास एक साल का वक्त है, आप सही कह रहे हैं कि अभी टाइम हालांकि बहुत ज़्यादा दिख रहा है लेकिन उतना है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ जो नए गेंदबाज उनको मौका दे सकते हैं। अभी अंडर 19 से आपको समझ में आ रहा है कि दो तीन गेंदबाज ऐसे जिन्हें हम ऊपर लेकर आ सकते हैं, तो अभी दौड़ चल रहा है। मेरे ख्याल में अभी एक दो महीने के बाद हम देखेंगे कि ज़रूर एक दो प्लेयर्स ऊपर आएंगे, अभी आईपीएल आने वाला है, तो ये मौके हैं टीम इंडिया के पास कि यहाँ से हम एक्सपेरिमेंट करके कुछ प्लेयर्स को ऊपर लेकर आ सकते हैं और टीम में खिला सकते हैं। चलिए सर, 270 रन भारत को अब बनाने हैं पहला वनडे जीतने के लिए, और जिस तरह से साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी है, इमरान ताहिर की वापसी हुई है वनडे टीम में, हालांकि जो स्पिनर के तौर पर केशव महाराज खेल रहे थे वो टेस्ट मैच में ही उन्होंने खेला और आज उन्हें नहीं खिलाया गया, क्या आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका की जो गेंदबाजी है वो भारत को रोक सकती है 270 बनाने से, क्योंकि मॉर्नी मोर्केल वहां पर मौजूद हैं, रबाडा ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है टेस्ट सीरीज में, उसके बाद क्रिस मॉरिस को भी आपने एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाया है भारतीय साउथ अफ्रीकन टीम में, माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका का पेस अटैक काफी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, ये बात आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि गेंदबाजी में मोर्कल हमेशा खतरनाक रहे हैं और इंडियंस के लिए तो हमेशा वो घातक ही रहते हैं। मैं देखता हूँ क्रिस मॉरिस की आपने बात की, बिल्कुल सही कहा कि गेंदबाजी स्पेसिफिक तौर पर उनको खिलाया गया, और जाहिर बात है कि जब खिलाया गया है मौके हैं उनके पास भी अपने आप को साबित करने के, क्योंकि वो भी लगातार बड़ा अनुभव है उनके पास, अंदर बाहर होते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो परफॉर्म करेंगे तो अफ्रीका के लिए बहुत सुकून की बात होगी। हाँ, आपने एक और नाम जोड़ा, इमरान ताहिर का, बड़ा नाम है वो गेंदबाजी में, क्योंकि स्पिनर्स की भूमिका बड़ी अहम इस वनडे में है, तो यहाँ पर अगर वो कर जाते हैं तो एक मुश्किल पैदा तो करेंगे टीम इंडिया के लिए। लेकिन हाँ, इंडिया के पक्ष से मैं यही कहना चाहूँगा कि बैटिंग लाइन बहुत शानदार है, चाहे हम शिखर की बात करें, रोहित की बात करें, विराट कोहली की बात करें, जाधव की बात करें, बड़ा मतलब, और चाहे आप धोनी की बात करें, डेप्थ है बैटिंग में पूरी, और यहाँ से आराम से मैं करूँ अगर एक हमें पार्टनरशिप 100 की मिल जाए तो बहुत इजी है मैच जीतना, और इतना मुश्किल भी नहीं। लेकिन हाँ, जैसा कि मैं पहले भी कहा मैंने कि यहाँ पर 7 वनडे खेले हैं और 6 में इंडिया हारी है, तो ये एक इतना आसान भी नहीं है उनके लिए कि आप पीछा करते हुए यहाँ से मैच को जीतते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुश्किलें आती हैं विदेशी पिचों पर जब आप खेलते हो, वहाँ की बहुत तेज स्विंग होती है, वहाँ पर गेंद बड़ा वो बाउंस होकर आती है, तो ये थोड़ी मुश्किल है। अगर ये फेस कर जाते हैं हमारे बल्लेबाज शुरुआती 10 या 5 ओवर, तो आसान है, उतना मुश्किल भी नहीं है। सर, एक चीज़ आज देखने को मिली, जब मैच शुरू होने वाला था तो उससे पहले जब पिच रिपोर्ट आई तो पिच में ये कहा गया कि इस पिच में घास है जी, और कहीं ना कहीं बॉल जो है वो पिच पर होकर, शॉर्ट बॉल अगर आप डालते हैं तो बॉल जो है वो स्विंग होकर जाएगी, जिस वजह से भारतीय बल्लेबाजों को खासा परेशानी हुई है। लेकिन इस जो अगर हमने पहली पारी की हम बात करें तो पहली पारी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, गेंद घूमी है, भारतीय स्पिनर्स को मदद मिली है, कहीं ना कहीं भारत के जो बल्लेबाज हैं वो स्पिनर्स को काफी अच्छा खेलते हैं। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप स्विंग की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर वो नहीं है तो ये भारतीय बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ी बात है, यहाँ से उनकी बल्लेबाजी शायद आसान हो सकती है और वो लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं जी। सर, हम अगर बात करें साउथ अफ्रीका की, जब ये दौरा शुरू होने वाला था तो ये कहा जा रहा था कि ये जो दौरा है ये भारतीय बैटिंग लाइनअप बनाम साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप, लेकिन इसके ठीक उल्टा हुआ है। हमने तीनों टेस्ट में देखा, कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका का जो बल्लेबाजी क्रम है वो उतना मजबूत नहीं दिखा। अगर हमारे बल्लेबाज थोड़े रन और बनाते, अगर थोड़ा सा सिलेक्शन, खैर उस पर हम नहीं जाते हैं, सिलेक्शन अगर अच्छा होता तो कहीं ना कहीं हम 3-0 से भी हरा सकते थे। बिल्कुल, मौके थे, ऐसा नहीं है कि मौके नहीं थे इंडियन टीम के लिए, क्योंकि मैं शुरुआत जैसे हम लोगों ने की यही कहा कि भाई ये टीम वो टीम थी जो 3 टेस्ट जीत सकती है, और इसकी बातें भी लगातार हो रही थी, कोहली कप्तान थे टीम में, एक से एक बड़े नाम इनके पास थे। लेकिन हाँ, वो जो सिलेक्शन की बात आप जो कर रहे हैं बार बार, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि टेस्ट मैच में ये जरूरी होता है कि आप क्या कॉम्बिनेशन रखते हैं, किस तरह से मैदान में जाते हैं, क्या आपके गेंदबाज 20 विकेट निकाल पाते हैं, तो ये बहुत, क्या आपके बल्लेबाज उतने रन कर पाते हैं, ये चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी बहुत चूक हुई है, और लास्ट वाले टेस्ट मैच में आपने देखा जिस तरह से वापसी की इंडियन टीम ने, मुझे लगा कि हाँ इस टीम में बहुत दम है, और यदि वही दम रहा तो आज वनडे टीम जो का जो मुकाबला है वो भी टीम इंडिया जरूर जीत लेगी। सर, ये जो 269 रन जो बनाए हैं अफ्रीका ने, 123 पे 5 हो गई थी अफ्रीका, और उसके बाद कहीं ना कहीं भारत की बॉडी लैंग्वेज देख के लगा कि कहीं ना कहीं टीम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, क्योंकि आपके जो दो मेन स्पिनर थे कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जिन्होंने आपको विकेट निकाल के दिया, आपने वहां पर उनका ओवर रोक दिया, हार्दिक पांड्या को आप ले आए,
उसके बाद भुवनेश्वर कुमार की भी पिटाई हुई जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो स्विंग से विकेट निकालेंगे, तो क्या आज थोड़ा सा रन हमने ज्यादा दे दिए? क्योंकि अगर हम 250 के अंदर रहते तो हो सकता था कि हम मैच कंफर्मली जीत भी सकते। ये आपने सही कहा, शायद मेरे ख्याल से 20 रन ज्यादा बन गए हैं, और अगर 250 के आसपास अगर रहता तो थोड़ा सा आसान हो जाता। लेकिन देखिए, उम्मीद अभी भी है, टीम के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, अगर यहाँ से वो एक अच्छी मनोदशा के साथ मैदान पर जाते हैं तो मेरे ख्याल में ज़रूर ये मैच जीतना चाहिए। बिल्कुल, जैसा सर ने कहा कि इस मैच को भारत को जीतना ज़रूर चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भारत का बैटिंग लाइनअप है, और अगर हम साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की बात करें तो अभी बड़े नाम अभी उसमें नहीं है, क्योंकि डेल स्टेन चोटिल हैं, एंगिडी ने परफॉर्म अच्छा किया, उन्हें उनकी भी उंगली में चोट है तो वो भी आज का मैच नहीं खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये भारत के पास चांस भी है कि इस मैच को निकाला जाए और एक अच्छी जीत के साथ इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि 270 रनों का लक्ष्य दिया है दक्षिण अफ्रीका की टीम ने, और भारतीय टीम काफ़ी मजबूत मानी जा रही है इस मैच में। आपको बता दें कि जिस तरह से अफ्रीका की जो बॉलिंग है, जिस तरह से हमने पेस अटैक देखा है टेस्ट सीरीज में, उम्मीद ये भी की जा रही है कि दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी जो है भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। चलिए, इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी इस मैच के बाद। किस तरह से भारतीय टीम, हम यही उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम इस मैच को जीते और 1-0 की बढ़त बढ़ाकर आगे बढ़े, लेकिन अभी फिलहाल समय का अभाव है। लेकिन तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।